नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर लैंड हो गया है और ऐसा करके भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इतिहास रच दिया और लगभग पूरी दुनिया के लोग भारत की इस उपलब्धि पर हैरान हैं। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया से लोग हर कोने से भारत को इस कामयाबी के लिए बधाई भी दे रहे हैं, और दे भी क्यों ना, क्योंकि चाइना, रसिया और यूएसए के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसका स्पेस क्राफ्ट चांद पर मौजूद है। लेकिन पिछले कई सालों से ये रेस चल रही थी चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले कौन जाएगा, और हमारे भारत ने ये बाजी अपने नाम कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कई लोग हैं जो चंद्रयान मिशन को पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत में एक तरफ इतनी गरीबी और भुखमरी है तो चांद पर मिशन भेजने की क्या ही जरूरत है। अब जैसे इन जनाब के पोस्ट को देखो जो कह रहे हैं, मुझे इन सब चीजों में कोई फायदा नहीं दिखता, चांद की 4 फोटो लेकर क्या ही मिल जाएगा, आपने 650 करोड़ रुपए खर्च कर दिया चांद की फोटो के लिए, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ऐसे मिशंस को बंद करना चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह से पैसों की बर्बादी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मून मिशन सच में पैसों की बर्बादी है या फिर नहीं, और अब क्या मिशन तो सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो गया तो अब आगे क्या होगा। और दोस्तों, अब जो भी होना है आने वाले 14 दिनों में ही होना है, क्योंकि चांद पर 14 दिन सूरज की रोशनी होती है और 14 दिन नहीं, इसका मतलब ये है कि 14 दिन के बाद जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो लैंडर में लगे सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि सारे सिस्टम को बिजली सोलर पैनल से ही मिलती है, तो वो बंद पड़ जाएंगे और वहां का टेम्परेचर लगभग 130 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा, जिससे लैंडर और रोवर में लगे सारे सिस्टम बंद पड़ जाएंगे और हो सकता है कि इतने कम टेम्परेचर में वो आगे काम ही ना कर पाए। इसीलिए ये 14 दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अब मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि आखिर आने वाले दिनों में चंद्रयान क्या क्या करने वाला है जिससे पूरी दुनिया हैरान होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे लोगों को जरूर शेयर करें जो इस मिशन को पैसे की बर्बादी समझते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। इन पर कुल 7 पेलोड लगे हैं। अब पेलोड क्या है, इसे आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे चंद्रयान में ऐसे सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो अलग अलग तरीकों की जानकारी हमें देंगे, और इन सारे पेलोड्स का क्या क्या काम है ये सारी चीजें आपको आगे वीडियो में मालूम पड़ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान के पहले हिस्से की, मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल और इसमें लगे पेलोड की। प्रोपल्शन मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ये मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट पर घूमता रहेगा, लैंडर और रोवर से अपना कनेक्शन बना के रखेगा, रोवर और लैंडर से मिली सारी जानकारी पृथ्वी पर शेयर करेगा। इसके अलावा जो इसमें पेलोड लगा हुआ है जिसका नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेटरी अर्थ, वह चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगा है। ये चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच कर रहा है, जो वो कौन सी चीजें हैं या रेडिएशन है जिससे हमारी पृथ्वी में जीवन संभव है, इन्हीं सब चीजों की ये जांच करने वाला है। क्योंकि आज अर्थ के साइंटिस्टों ने कई हजार एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाले हैं, लेकिन इसमें कौन से प्लैनेट लोग रह सकते हैं कौन से में नहीं ये हमें पता नहीं है, क्योंकि वो हमसे कई लाइट ईयर दूर है। इस चीज का पता लगाने के लिए ये शेप पेलोड हमारी मदद करेगा, और किसी भी प्लैनेट में जीवन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये सारी चीजें वो पृथ्वी को ऑब्जर्व करके पता लगाएगा। अब बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है विक्रम लैंडर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका नाम विक्रम इसरो के एक साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कह सकते हैं। विक्रम लैंडर पर सबसे पहला पेलोड है रंभा। यह चांद की सतह के प्लाज्मा, आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और समय के साथ साथ इनके परिवर्तनों को नापने के लिए है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, ना ही चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे में वहाँ प्लाज्मा सूर्य से आता है। आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी में आती हैं तो उसमें मौजूद खतरनाक रेडिएशन हमारे वातावरण और ओजोन लेयर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे हमें सूर्य की रोशनी से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है, वहाँ सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है जिससे चांद के सरफेस की मिट्टी जल गई है और उससे बारूद की तरह खुशबू आती है, और इसी प्लाज्मा का ये परीक्षण करने वाला है। लैंडर में लगा ये छड़नुमा उपकरण चंद्रमा की सतह में रेडिएशन की मौजूदगी के बारे में पता लगाएगा। अब बात करते हैं विक्रम लैंडर में लगे अगले पेलोड की, चेस्ट। चंद्रमा ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्र सतह के तापीय गुणों को मापने के लिए है। सीधे शब्दों में चांद का तापमान कितना है, कितना उतार चढ़ाव होता है, ये पता लगाएगा। इस उपकरण के एक सिरे को
चंद्रमा की सतह में धंसाया जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर तक चांद के अंदर जा सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे कि मुंह के अंदर एक थर्मामीटर जाता है। फिर ये चंद्रमा की सतह पर गर्मी के प्रभाव को भी नापेगा, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है। वही 80 mm की गहराई में -10 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। चेस्ट में 10 टेम्परेचर सेंसर्स लगे हैं जो 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm की गहराई तक पहुंच सकते हैं। चेस्ट पेलोड को स्पेस फिजिकल लेबोरेटरी VSSC ने अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया है। नेक्स्ट पेलोड एल्सा लैंडिंग के स्थल के आसपास भूकंप से जुड़ी गतिविधियों को मापेगा, क्योंकि जैसे पृथ्वी पर अर्थ क्वेक आते हैं वैसे ही मून पर मून क्वेक आते हैं, उसी चीज की जांच ये पेलोड करने वाला है। इसका मतलब साफ है कि ये चंद्रमा का सरफेस ही नहीं बल्कि उसके कोर की भी स्टडी करेगा। ये लैंडर से बाहर निकलकर स्टडी करेगा मगर मूवमेंट नहीं करेगा, इसे एक केबल के जरिए विक्रम से कनेक्ट रखा जाएगा। LRA जिसका पूरा नाम है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, ये पैसिव एक्सपेरिमेंट है जो मून सिस्टम की डायनेमिक्स पर स्टडी करेगा। ये नासा का लेजर रिफ्लेक्टर है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये उपकरण नासा वालों ने बनाया है जिसे हमारे चंद्रयान में लगाया गया है। ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसका काम अर्थ से भेजी गई लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट कर वापस भेजना होता है, जिसके जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि पृथ्वी से चांद एग्जैक्ट कितनी दूरी पर है, रोटेशन क्या है और लैंडर चांद के किस हिस्से में है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सबसे जरूरी पार्ट की जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। ये लैंडर से बाहर निकलकर चांद पर तफरी करेगा, मतलब अब इसे भेजा इसलिए है कि जाओ बेटा तफरी करो, घूम कर आओ, देखो चांद पर क्या चल रहा है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, इस प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड लगे हुए हैं। अगर हम उनके काम की बात करें, सबसे पहला पेलोड जो इसमें लगा हुआ है उसका नाम है LIBS, मतलब लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये हाई एनर्जी वाली लेजर किरणों को चंद्रमा की सतह पर छोड़ेगा जिससे चांद की सतह के केमिकल कंपोजिशन का पता चलेगा। अब जैसे हमारी पृथ्वी में बहुत सारी गैसेस और केमिकल्स मौजूद है, चाहे हम पृथ्वी की सतह को देख लें या फिर वातावरण को, वैसे ही चांद की जमीन पर भी काफी सारे केमिकल्स मौजूद है। और ये लिप्स पेलोड इन्हीं केमिकल की आंतरिक संरचना की स्टडी करेगा, उन केमिकल्स के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स मौजूद है। वही रोवर का दूसरा पेलोड है APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, मतलब चांद पर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। इससे ये पता लगेगा, सीधी भाषा में अगर हम कहें तो इस डिवाइस के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि चांद पर जहाँ जहाँ रोवर है उसके आसपास कौन सा पदार्थ मौजूद है, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कार्बाइड, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम एंड आयरन। अब दोस्तों, सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मून के साउथ पोल पर ही क्यों चंद्रयान को भेजा गया। इससे पहले चंद्रयान 2 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की गई थी जो असफल रही। हालांकि इस बार भारत को सफलता हासिल हुई है। जिस तरह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर बसा अंटार्कटिका काफी ठंडा है, वैसे ही चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भी काफी ज्यादा ठंडा है। यह चांद का सबसे ठंडा इलाका है। भारत ही नहीं, अमेरिका और चीन भी इस क्षेत्र पर नजरें गड़ाए हुए हैं। चीन कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव के करीब लैंडर उतार चुका है और यहाँ अमेरिका तो वहाँ अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर आपको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा होने का अवसर मिले तो आपको सूर्य क्षितिज रेखा के पास दिखाई देगा। चंद्रमा की सतह से लगा हुआ सूरज चमचमाता हुआ नजर आएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्से में छाया रहती है। यहाँ धरती के दक्षिणी ध्रुव की तरह ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और तापमान भी काफी कम होता है। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि तापमान कम होने के कारण यहाँ पानी और अन्य खनिज हो सकते हैं। चंद्रयान 1 चांद पर पानी की खोज पहले ही कर चुका है और साउथ पोल रीजन में जमा मिट्टी लाखों साल से वैसी ही है। इस मिट्टी में जमी बर्फ के मॉलिक्यूल्स की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकेगा। चांद और पृथ्वी के जन्म का रहस्य भी खुल सकता है। चंद्रमा के निर्माण और उस वक्त के हालात का भी पता चल सकता है। चंद्रमा के नॉर्थ हिस्से की मिट्टी में इतने रहस्य जमा नहीं है जितने कि साउथ पोल की मिट्टी में है। साउथ पोल रीजन में पानी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है, साथ ही कई तरह के खनिजों का भंडार भी मिल सकता है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा के मून मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता चला था। नासा के अनुसार हाइड्रोजन की मौजूदगी वहाँ बर्फ होने का सबूत हो सकता है। जानकारी के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई बड़े क्रेटर्स हैं। अब क्रेटर्स उन गड्ढों को कहा जाता है जो ज्वालामुखी के फटने या विस्फोट से बनते हैं। सूरज की रोशनी भी वहाँ बहुत कम पड़ती है।
चंद्रमा पर तापमान में भी काफी ज्यादा असमानता है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती वहां तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जिन हिस्सों में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां का तापमान -248 डिग्री तक पहुंच जाता है। नासा के अनुसार दक्षिणी ध्रुव पर बहुत से ऐसे क्रेटर्स हैं जहां अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है। इन हिस्सों में अरबों वर्षों से अंधेरा कायम है। दक्षिणी ध्रुव के कुछ इलाके अंधेरे में डूबे रहते हैं जबकि कुछ इलाकों में सूर्य की पर्याप्त रोशनी रहती है। दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे इलाकों में अरबों वर्ष पुराना पानी हो सकता है जो सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां देने में मदद कर सकता है। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको पता लग गया होगा कि चंद्रयान कोई पैसों की बर्बादी नहीं है। इससे काफी सारी चीजों का पता लगेगा। हो सकता है कि भारत आने वाले समय पर चांद पर एक इंसानी कॉलोनी बना ले जहां लोग जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। हमारी और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।